हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बात करेंगे हम 25 मई की। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही निर्णायक दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है दोस्तों। और इस दिन आप अपने जीवन की एक धार को ज़रूर बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, चाहे वो सुहागन औरतें हो या शनि का किसी के ऊपर प्रकोप हो या दोष हो, कोई शनि की 7.5 से गुजर रहा हो। दोस्तों उस दिन वट सावित्री का व्रत भी है और शनि जयंती भी है, और माना जाता है कि इसी दिन सावित्री और सत्यवान की अगर आपने कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यभामा के प्राण यमराज के यहां से वापस ले आई थी। इसी के बाद से उन्हें सती सावित्री कहा जाने लगा। और इस त्यौहार का महत्व हर विवाहिता के जीवन में चौथ के व्रत के बराबर होता है। पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। साथ ही माना जाता है कि इस व्रत से जीवन में आने वाले दुख दूर हो जाते हैं। इससे घर में बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है, उनका विकास होता है। दोस्तों बहुत ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, इसलिए ये व्रत का करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत यूजुअली ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण आदि सभी शादीशुदा महिलाएं इसे उत्तर में मनाए जाने के 15 दिन बाद मनाती हैं। व्रत के पीछे पौराणिक कथा दोनों कैलेंडरों में एक होती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री मनाने का योग होता है। इस बार 25 मई 2017 के दिन गुरुवार को पड़ रहा है। दोस्तों ज्येष्ठ माह वाला जो लोग मनाते हैं उनके लिए 8 जून को पड़ेगा, वो दिन भी गुरुवार का आएगा। वट का मतलब होता है बरगद का पेड़, विशाल पेड़ होता है जिसमें जटाएं लटकी होती है। दोस्तों इसको इंग्लिश में बैनियन ट्री बोलते हैं और सावित्री देवी का रूप मानी जाती है। हिंदू पुराण में बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का रहवास माना जाता है। इस वृक्ष की जड़ों में ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी रहते हैं, बीच में विष्णु भगवान रहते हैं और ऊपरी सामने के भाग में शिव जी होते हैं। इसलिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। व्रत सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के समान होता है, और इस व्रत में कई लोग 3 दिन तक उपवास रखते हैं। 3 दिन तक बिना खाए रहना मुश्किल होता है, इसलिए पहले दिन रात को खाना खा लेते हैं, दूसरे दिन फ्रूट्स और दूध वगैरह खा सकते हैं, और तीसरे दिन पूरा फास्ट रखा जाता है। रात में पूजा के बाद ये व्रत का पूर्ण होता है, और महिलाएं दुल्हन की तरह उस दिन अपने पति को मनाने के लिए साज सिंगार करती हैं। दोस्तों कई लोग सिर्फ वट सावित्री वाले दिन उपवास रखते हैं, वे पूजा के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, तो दोनों नियम हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं, और वट वृक्ष के नीचे आपको पूजा करनी होती है। 25 मई बहुत पास है दोस्तों, तो ढूंढ के रख लीजिए वट बरगद का पेड़। एक बांस की टोकरी ले लें, उसमें 7 तरह के अनाज ले लें, जिसे कपड़े के 2 टुकड़े से ढक दें। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप मिट्टी की देवी सावित्री बना सकते हैं। अपने गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लें, तुलसी वाले गमले में से, और एक सावित्री माता की मूर्ति बना लें और उसको उस टोकरी में रख लें। साथ में धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत, मूली रखना है। वट वृक्ष में जल चढ़ा के, कुमकुम चढ़ा के, अक्षत चढ़ाना है। इसके बाद वहाँ पे देवी सावित्री की मूर्ति को स्थापित करके पूजा करना है। फिर लाल मूली या कच्चे सूत, सफ़ेद सूत जो आता है, उसके धागे को लेकर वट वृक्ष के चारों तरफ घूमकर बांधते हैं। 7 फेरी आपको लगानी है धागा बांधते हुए। इसके बाद सभी औरतें मिलकर सावित्री की कथा सुनती हैं। ये करने के बाद आप ब्राह्मण को यथाशक्ति दान करें। चना व गुड़ का प्रसाद सब लोग लेते हैं और खुद भी खाते हैं। दोस्तों वट सावित्री का व्रत बहुत ही लाभदायक होता है, शुभदायक होता है और अपने सौभाग्य को बढ़ाता है। इसके साथ ही शनि जयंती होने के कारण इस दिन शनि भगवान के भी उपाय किए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, बरगद के वृक्ष पर सूत को लाल व पीला करके लपेटना चाहिए। लाल आप रोली से कर सकते हैं, पीला आप हल्दी से कर सकते हैं। इससे बहुत ही सुख सौभाग्य की, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
अगर आप चाहते हैं अखंड सौभाग्य और परिवार की समृद्धि के लिए, तो अक्षय वट की परिक्रमा करते हुए 108 बार भी सफ़ेद रंग का सूत लपेटा जाता है और बरगद के वृक्ष की जड़ में उस दिन मीठी लस्सी या मीठा दही चढ़ाने से मंगल, शनि, राहु जैसे अनिष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। दोस्तों, वृक्ष आयुर्वेद के अनुसार जो बरगद का वृक्ष उस दिन लगाता है वो शिव धाम को प्राप्त होता है, और पाराशर मुनि के अनुसार वट मूले तोपवासा ऐसा कहा गया है। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से जीता था, इसलिए महिलाएं विधि विधान से वट पूजन करके जल करने के बाद ही जल ग्रहण करती है। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए विशेष फल की प्राप्ति होती है, और शनि का कैसे उपाय करना है वो मैं अब आपको आगे बता देती हूँ। उस दिन शनि जयंती भी होती है, और कुछ काम है आपको नहीं करने चाहिए वरना बढ़ जाते हैं शनि के दोष। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को ही शनि देव का जन्म हुआ था, और जिन जातकों की कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उनके लिए शनि के कोप में कमी लाने के लिए ये सुनहरा अवसर है। शनि जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इस दिन कोई भी काम करने के पहले आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। गरीब व्यक्ति को उचित मान सम्मान उस दिन देना है, और अपनी क्षमता के अनुसार आपको उनको मदद करना है। वाहन चलाते समय खास सावधानी रखना है, और क्योंकि वाहन और मशीन के कारक शनि देव हैं, छोटी सी भूल के भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शनि जयंती और अमावस्या के दिन कभी भी किसी से नहीं उलझना चाहिए और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांसाहार और नशे का सेवन नहीं करना है, अन्यथा आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हानियां उठानी पड़ सकती है। घर में आपको सुख और शांति का वातावरण बना के रखना है। जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेह कलेश होता है, वहां पर शनि भगवान की कृपा नहीं बरसती है। उस दिन आपको भूल से भी तेल लेकर के नहीं लाना है, खरीद कर नहीं लाना है, और छाया दान करना है। छाया दान कैसे किया जाता है? थोड़ी सी तेल एक कटोरी में या बर्तन में ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें, और फिर उस तेल को भगवान शनि पर चढ़ा दें, या आपके घर पे कोई कलेक्ट करने आते हैं शनि का तेल तो आप उसमें चेहरा देख करके उसमें उनको दान दे दें। शनिवार, शनि जयंती और बड़ अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या, जो भी आप बोले, इस पर कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको वट सावित्री और शनि जयंती के दिन नहीं करना है। इसके अलावा आप राशि अनुसार भी उपाय कर सकते हैं। मेष राशि वालों को इस दिन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वृषभ राशि वाले शनि अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ करें। मिथुन राशि वाले शनि देव को काली उड़द की दाल चढ़ाएं। कर्क राशि वालों को राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। सिंह राशि वालों को किसी मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। कन्या राशि वालों को शनि देव के बीज मंत्र का जप करना है, और तुला राशि वालों को शनि देव का अभिषेक सरसों के तेल से करना है। वृश्चिक राशि वालों को सुबह सुबह उठकर चींटियों को आटा डालना है, और धनु राशि वालों को पीपल के पेड़ के नीचे 11 दीपक जलाना है। मकर राशि वालों को शनि देव के वैदिक मंत्रों का जप करना है, और कुंभ राशि वालों को ज्योतिष से सलाह करके नीलम का रत्न उस दिन धारण करना चाहिए। मीन राशि वालों को कुष्ठ रोगियों की यथा संभव मदद करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये ध्यान रखें कि बड़े ही चाव से उस दिन व्रत करना है। औरतें उस दिन सुहागन औरतें वट सावित्री का व्रत करें एवं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें। दोस्तों, जैसे चौथ का व्रत होता है वैसे ही ये व्रत के बहुत महत्तम होते हैं, और इसके करने से ऐसा माना जाता है पत्नियों में इतनी ताकत होती है कि यमराज से भी अपने पति को वापस लौटा सकती हैं।
मठ सावित्री की कथा आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन, अपनी बहनों से, माताओं से एवं भाइयों से भी जिनको शनि की दशा चल रही है उनसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है 25 मई। नहीं भूलना है आपको, शनि जयंती है और वट सावित्री की व्रत का व्रत भी है उस दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।